दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडिया में नामीबिया से चीता इंपोर्ट किए गए क्योंकि इंडिया में चीता मौजूद नहीं। लेकिन ऐसा पहले से नहीं था। पहले इंडिया में बहुत सारे चीता मौजूद होते थे, बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चीता इंडिया में ही प्रेजेंट होते थे। चीता वर्ड एक संस्कृत वर्ड से ही निकला है, चित्रा का। इसका मतलब होता है स्पॉटेड। इससे हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा चीता जो है वो इंडिया में ही प्रेजेंट होते थे, क्योंकि संस्कृत इंडिया में ही बोली जाती थी। मुगल एरा में भी चीता इंडिया में प्रेजेंट होते थे। एम्परर जहांगीर तुजुकी जहांगीरी में भी अपने एक पेट चीता के बारे में लिखते हैं। बादशाह अकबर के टाइम पे यानी कि 16th century में इंडिया में लगभग 10,000 चीते प्रेजेंट थे, लेकिन 19th century आते आते 10,000 से ये कुछ 100 ही रह गए। और 1952 में चीताज को इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि इंडिया में 1952 में एक भी चीता प्रेजेंट नहीं था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इंडिया में चीता की पॉपुलेशन घटती चली गई? इसका एक रीज़न लिखा जाता है डेजर्टिफिकेशन, यानी कि इंडिया में सूखा पड़ने की वजह से चीताज की पॉपुलेशन जो है वो कम होती चली गई। लेकिन ये सॉलिड रीज़न नहीं है। इस एक रीज़न की वजह से इतने सारे चीते तो नहीं ख़त्म हो सकते थे। इसके पीछे कहानी कुछ और ही है। दरअसल इंडिया में बादशाह लोग चीताओं को पकड़ते थे और इन्हें शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि चीता एक तेज़ जानवर है और ये बहुत ही शांत किस्म का जानवर है। ये ज़्यादा इसको ज़्यादा गुस्सा नहीं आता और कुत्ते बिल्ली की तरह इसे भी पालना आसान है। और बहुत ही कम केसेस देखे गए हैं कि जब कोई किसी चीता ने किसी इंसान पर हमला किया हो। ये रीजंस थे कि बादशाह लोग इन्हें पकड़ते थे और इन्हें पालते थे। बहुत ही लार्ज स्केल पर चीताज को लोग पकड़ने लगे और इन्हें पिंजरों में बंद करने लगे, जिसकी वजह से ये अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं रह पाए और रिप्रोड्यूस और ग्रोथ नहीं कर पाए। और जो इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग मिलती थी जंगल में, वो इन्हें नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से इनका नंबर दिन ब दिन घटता चला गया। और 1880 में तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से चीताज का इनकाउंटर होना शुरू हो गया। दरअसल विशाखापट्टनम के ब्रिटिश गवर्नर के एजेंट ओबी इरवाइन पर एक लोकल महाराजा के चीता ने अटैक कर लिया और इन्हें मार दिया। और फिर क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चीताज को आदमखोर डिक्लेयर कर दिया और इनको मारने के लिए रिवॉर्ड्स रख दिए। फिर क्या था, लोगों ने रिवॉर्ड्स हासिल करने के लिए चीताज को मारना शुरू कर दिया। चीताज को चुन चुन के मारा जाने लगा और धीरे धीरे इंडिया से चीताज ख़त्म होते चले गए। 1947 में इंडिया में बचे आखिरी 3 चीताओं को भी महाराजा रामानुज प्रताप सिंह जी कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। और इसके बाद इंडिया में कभी भी कोई चीता नहीं देखा गया। और पाकिस्तान में भी 1997 में बलूचिस्तान में आखिरी बार चीता को देखा गया। चीताज को दूसरी कंट्रीज से इंडिया में इंपोर्ट करना ब्रिटिश राज से ही शुरू हो गया था। 1918 और 1945 में लगभग 200 चीता इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं अफ्रीकन कंट्रीज से। लेकिन अफ्रीकन चीताज इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन्हें वैसा हैबिटेट और वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है जहां ये ग्रो कर पाते। 1970 में इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान से एशियाटिक चीता लाने की कोशिश की, लेकिन ये अटैम्प्ट भी सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि ईरान में कुछ वार चल रही थी उस टाइम। इसके बाद फिर से एक अटैम्प्ट किया गया ईरान से चीताज को इम्पोर्ट करने के लिए, लेकिन ईरान ने कुछ ऐसी डिमांड्स रखी जो इंडियन गवर्नमेंट पूरी नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये अटैम्प्ट भी फेल रहा। जैसा कि आपने पिछले दिनों में देखा कि 70 साल के बाद इंडिया में फिर से चीताज को इम्पोर्ट किया गया और इन्हें कूनू नेशनल पार्क में रखा जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या ये अटैम्प्ट सक्सेसफुल रहता है या अनसक्सेसफुल। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।